हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन्स के बारे में, साइक्लोहेक्सेन्स के बारे में। साइक्लोहेक्सेन में अपन पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर में देखना। इस साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर में 6 तो कार्बन प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 6 हाइड्रोजन और 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखना, यहाँ पे ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इसकी बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होती है साइक्लोहेक्सेन की। अब अपन इसमें देखेंगे कि इसमें 4 टाइप पढ़ेंगे अपन। चेयर फॉर्म पढ़ेंगे, बोट फॉर्म, ट्विस्ट फॉर्म और हाफ चेयर। अपन इसमें देखेंगे कि इनके कन्फर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, चेयर कन्फर्मेशन, बोट कन्फर्मेशन, ट्विस्ट कन्फर्मेशन एंड हाफ चेयर कन्फर्मेशन। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे पढ़ेंगे चेयर कन्फर्मेशन के बारे में कि चेयर कन्फर्मेशन क्या होती है। चेयर कन्फर्मेशन की स्ट्रक्चर देखना कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है, जिसमें इसमें भी 6 कार्बन होते हैं और 12 हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि अपन ये तो पढ़ रहे हैं साइक्लोहेक्सेन, तो ये साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर इस प्रकार ही है। अपन बेंजीन को अपन इस तरह से लिखते हैं, जब ये बेंजीन की जो ये स्ट्रक्चर है, अपन इस स्ट्रक्चर को चेयर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखना, इस स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर परपेंडिकुलर रोटेट करती रहती है, ठीक है, परपेंडिकुलर रोटेट करती है। और इसमें अपन देखते हैं कि सी2 एक्सिस क्या आती है, प्रेजेंट होती है, सी2 एक्सिस प्रेजेंट होती है। इसमें देखना, यहाँ से सी2 एक्सिस प्रेजेंट है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो चेयर कन्फर्मेशन की स्ट्रक्चर है, जब अपन इसको 120 डिग्री रोटेट करते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे देखना, ये स्ट्रक्चर लिखी हुई है, यहाँ पे वन कार्बन है, ये वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन, फोर कार्बन, फाइव कार्बन और सिक्स कार्बन, ठीक है। इसको यहाँ से जब मैं 120 डिग्री रोटेट करूँगी, यहाँ से जब इसको 120 डिग्री रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज जब इसको 120 डिग्री रोटेट करेंगे, तो देखना क्या स्ट्रक्चर आएगी, ऐसी आ जाएगी। ये जो ये वन वाला कार्बन है, कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, देखना, 120 डिग्री जब रोटेट करते हैं, 120 डिग्री एंगल कितना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये 120। तो ये फर्स्ट वाला कार्बन कहाँ चला जाएगा, थर्ड वाले कार्बन पे। तो देखना, ये फर्स्ट वाला कार्बन कहाँ पे आ गया, थर्ड वाले कार्बन पे आ गया, यहाँ पे आ गया फर्स्ट नंबर। इस वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर दे दूंगी मैं। फिर मैंने दोबारा इसको इस सेकंड को 120 डिग्री फिर से रोटेट किया, तो देखना यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, तो ये फिर से रोटेट होगा 120 डिग्री। तो ऐसे क्या होगा, जब 120 डिग्री रोटेट होती रहती है, तो हमें क्या डिफरेंट अरेंजमेंट देते हैं। जैसे देखना, ये 120 डिग्री रोटेट होगा क्लॉकवाइज, अपने इसको रोटेट किया, तो देखना ये स्ट्रक्चर आई है, बिल्कुल अपोजिट इसकी स्ट्रक्चर हो गई है। और जब अपन इसको 60 डिग्री रोटेट करते हैं, तो देखना हमें अलग ही स्ट्रक्चर मिल रही है। हमने जब इसको 120 डिग्री रोटेट किया इन कार्बन को, तो देखना ये स्ट्रक्चर मिली। और ये कह रहे परपेंडिकुलर रोटेट होते रहते हैं ये स्ट्रक्चर। अपन इसको 120 डिग्री रोटेट कर दिया, 60 डिग्री रोटेट किया, तो देखना ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमें मिली। क्लॉकवाइज इसको रोटेट किया, तो 60 डिग्री का एंगल कितना होता है, इतना ही होता है। तो इसने फर्स्ट यहाँ से, सेकंड यहाँ पे आ गया, थर्ड यहाँ पे आ गया, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे कार्बन कार्बन में, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखना, ये स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि जो इक्विटोरियल और एक्जियल पोजीशन होती है वो कैसे, कहाँ पे होती है। इन स्ट्रक्चर की जो एक्जियल और इक्विटोरियल पोजीशन होती है वो इस स्ट्रक्चर में कहाँ पे होती है, तो देखना ये जो ये चेयर फॉर्म है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, इसमें 6 कार्बन है, ठीक है। 6 कार्बन में देखना, एक यहाँ पे है फर्स्ट कार्बन, ठीक है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन, हर एक कार्बन पर एक्सियल पोजीशन और इक्विटोरियल पोजीशन, दोनों पोजीशन प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पे देखना, अब मैं पहले आपको ओनली इक्विटोरियल पोजीशन बता रही हूँ, और इक्विटोरियल पोजीशन में कौन सी डाउन पोजीशन और कौन सी अप पोजीशन है। इक्विटोरियल में 3 तो डाउन होंगी और 3 अप होंगी, ठीक है, 6 होती है इक्विटोरियल और 6 एक्सियल होती है, 6 एक्सियल और 6 इक्विटोरियल, 6 एक्सियल में से 3 अप और 3 डाउन, और इसमें भी 3 अप होंगे 3 डाउन होंगे। लेकिन जो देखना इसमें क्या होता है, एक्जियल और इक्विटोरियल में क्या होता है, जो एक्जियल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, या फिर जो परपेंडिकुलर होता है जो ऐसे होता है, वो क्या होता है, एक्जियल पोजीशन होती है। और जो ऐसे होता है, जो नॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, जो नॉन परपेंडिकुलर होता है, जो 90 डिग्री नहीं बनाता, वो क्या होता है, इक्विटोरियल पोजीशन होती है। और जो परपेंडिकुलर होता है, वो क्या होता है, एक्जियल पोजीशन होती है। तो इसमें आप देखना, पहला वाला कार्बन ये है, फर्स्ट कार्बन ये है, फर्स्ट कार्बन पे क्या पोजीशन है, इक्विटोरियल देख रही हूँ मैं, कि पहले मैं इक्विटोरियल देख रही हूँ कि इक्विटोरियल कहाँ पे है, तो ये नीचे की साइड है, तो मैं इसको डाउन भी बोल सकती हूँ। पहले वाला कार्बन पे क्या, डाउन, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इक्विटोरियल ऐसे तो होगा,
और सेकंड वाले कार्बन, ये सेकंड वाला कार्बन है, सेकंड वाले कार्बन पे कैसे इक्विटोरियल ऐसे है, तो ये ऊपर की साइड है तो इसको अप लिख सकती हूँ, ये नीचे की साइड इसको डाउन, ये ऊपर की साइड अप। फिर थर्ड नंबर वाले कार्बन पे भी इक्विटोरियल है लेकिन ये नीचे की तरफ है तो इसको मैं डाउन लिख सकती हूँ, और ऐसे ही फोर्थ नंबर वाले कार्बन पे अप है इक्विटोरियल तो ये ऊपर की तरफ है, और ये इसी प्रकार से देखना 1, 2 और 3 तो डाउन हो गए और 3 अप हो गए इक्विटोरियल पोजिशन पे। ठीक है, ये क्या हो गया, इक्विटोरियल पोजिशन क्या होती है, नॉन परपेंडिकुलर होती है। अब ये देखना अपनी एक्सियल पोजिशन, एक्सियल बॉन्ड देखते हैं, एक्सियल बॉन्ड में देखना ये भी चेयर स्ट्रक्चर है, इसमें ये फर्स्ट वाला कार्बन, सेकेंड वाला, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो फर्स्ट वाले कार्बन पे देखना एक्सियल है, मतलब ये 90 डिग्री पे ऐसे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो मतलब क्या, ये एक्सियल है, और एक्सियल में कौन सी है, ये अप है, ऊपर की तरफ है, और ये डाउन है, नीचे की तरफ है। ठीक है, और ये भी डाउन, ये डाउन, ये अप, ये डाउन और ये अप, मतलब ये क्या होंगे, जो ये सारे क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, ये नॉन परपेंडिकुलर है। ये बात याद रखना कि परपेंडिकुलर, नॉन परपेंडिकुलर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इक्विटोरियल नॉन परपेंडिकुलर होते हैं और एक्सियल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। तो देखना ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है दोनों को, एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल एक्सियल अप पे है, इक्विटोरियल डाउन पे, एक्सियल डाउन, इक्विटोरियल अप, इक्विटोरियल डाउन और एक्सियल अप। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आती है अपनी, ठीक है, इनके एक्सियल और इक्विटोरियल की। अब देखता अपन रिंग फ्लिपिंग और रिंग इन्वर्जन के बारे में, तो देखना रिंग फ्लिपिंग और रिंग इन्वर्जन में क्या होता है, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं इनमें क्या होता है, रोटेशन होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन अलोंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में क्या होता है, रोटेशन होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं जो अप कार्बन होता है वो बिकम डाउन कार्बन, जो अप कार्बन होता है, जैसे ये अप वाला कार्बन है, ठीक है, ये अप कार्बन है तो फर्स्ट कहाँ आ जाएगा, डाउन पे आ जाएगा। ठीक है, जो अप कार्बन होता है वो कहाँ चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है, जो मतलब अप कार्बन होता है वो डाउन आ जाता है, जो डाउन कार्बन होता है वो कहाँ चला जाता है, अप चला जाता है। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला ये कहाँ है, डाउन है, तो ये किधर आ गया, अप में आ गया। थर्ड वाला कार्बन कहाँ है, अप में, तो थर्ड वाला किधर आ जाएगा, डाउन में। अगर जब रिंग फ्लिपिंग होगी तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के, तो जो अप कार्बन पे वो कहाँ जाएगा, डाउन में आ जाएगा, और जो डाउन है वो अप में चला जाएगा, बस ये इसमें डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि जो रेड डॉट वाला है वो डाउन है, डाउन से शो कर रखा है, और जो ब्लैक डॉट वाला है वो उसको अप से शो कर रखा है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना जो ये अप है, देखना ब्लैक से है, और जो रेड वाले वो कौन से, डाउन से, तो यहाँ पे देखना बिल्कुल अपोजिट हो गए, पहले यहाँ पे फर्स्ट वाला ब्लैक से डॉट था, यहाँ पे रेड से डॉट हो गया। ठीक है, यहाँ पे रेड से शो होने लगा क्योंकि ये अप था, ये डाउन चला गया, ये डाउन था, ये अप चला गया, ये डाउन था, ये डाउन आ गया, ये थर्ड वाला अप था, ये डाउन आ गया, ऐसे क्या होंगे, ये अप है, अप वाली पोजीशन डाउन में चली जाएगी, और डाउन वाली पोजीशन, डाउन वाला कार्बन अप का, अप वाले कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो एक्सियल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो इक्विटोरियल पोजीशन होती है वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाती है। जब भी रिंग फ्लिपिंग या रिंग इन्वर्जन होता है तो इसमें क्या होता है, जो जो ये एक्सियल पोजीशन होती है, जो भी एक्सियल पोजीशन होती है वो किसमें, जो ये एक्सियल पोजीशन होती है, और तब ये क्या करते हैं, जैसे इसकी रिंग फ्लिपिंग हो रही है, तो ये एक्सियल वाली पोजीशन जब इसकी रिंग फ्लिपिंग होती है तो देखना ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे एक्सियल पोजीशन था ये कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या होगा, इक्विटोरियल पोजीशन में हो जाएगा। यहाँ पे देखना ये रिंग फ्लिपिंग हुई तो ये देखना ये जो एक्सियल पोजीशन पे है, ठीक है, ये एक्सियल पोजीशन पे था, एक्सियल वाला कहाँ पे आ गया, ये मेथिल ग्रुप इक्विटोरियल में आ गया। जब इसको रिंग फ्लिपिंग करवाएंगे तो जो एक्सियल पोजीशन है वो कहाँ पे आ जाएगी, इक्विटोरियल पोजीशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखना रिंग फ्लिपिंग गिव न्यू कन्फर्मेशन, ये क्या होती है, जो रिंग फ्लिपिंग अपन करते हैं तो वो क्या एक न्यू कन्फर्मेशन ही तो देती है, जब भी रिंग फ्लिपिंग होती है तो एक वो एक न्यू कन्फर्मेशन देती है, सेम नहीं देती। तो एक्सियल है तो वो इक्विटोरियल में चेंज हो रही है, तो मतलब पूरी स्ट्रक्चर ही उसकी चेंज हो गई, पूरा कन्फर्मेशन उसका चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखना ये स्ट्रक्चर है चेयर फॉर्म की, तो ये एक्सियल यहाँ पे है, तो इसमें एक्सियल वो क्या होता है, वो एक्सियल होता है वो हमेशा लेस स्टेबल होता है, एक्सियल होता है वो लेस स्टेबल होता है, यहाँ पे 5% है, ये लेस स्टेबल है, लेकिन इक्विटोरियल पोजिशन होती है वो मोर स्टेबल होती है, इक्विटोरियल मोर स्टेबल होती है, यहाँ पे देखना 95% है, और इसमें C2 सिमेट्री भी प्रेजेंट है, ये मेथिल ग्रुप है इक्विटोरियल। ठीक है, अब इक्विटोरियल साइक्लोहेक्सेन मोर स्टेबल देन एक्सियल साइक्लोहेक्सेन, तो दे आर कन्फर्मेशन डाइस्टीरियोमर नो मिरर इमेज, ये जो कन्फर्मेशन है ये डाइस्टीरियोमर है, क्योंकि ये ना तो मिरर इमेज बनाते हैं और ना ही ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ना ही सुपर इम्पोज हो रहे हैं ना एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं, तो ये क्या आएंगे अपने, ये क्या हो गए अपने रिंग, ये हो गए अपने डाइस्टीरियोमर। अब अपन देखते हैं एकायरल बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री, अब ये जो स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन की, जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या होती है, देखना ये यहाँ पे क्या है,
प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिसमें मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें प्रेजेंट होती है उसमें सिग्मा प्रेजेंट होता है, और जिसमें सिग्मा प्रेजेंट होता है वो अपने क्या होते हैं, एकायरल मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये एकायरल मॉलिक्यूल प्लेन है ना, सिग्मा प्रेजेंट है, तो इसमें देखना आर एक्सियल पोजीशन पे और आर इक्विटोरियल, रिंग फ्लिपिंग जब होगी तो क्या आ जाएगा, आर इक्विटोरियल पोजीशन में आ जाएगा, एक्सियल इक्विटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ई माइनस ए, मतलब डेल जी नोट यदि निकालें तो जी ई माइनस जी ए, जी इक्विटोरियल माइनस जी एक्सियल, तो कन्फर्मेशनल फ्री एनर्जी होती है इसमें, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्जेन्स, 1-2 डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्जेन्स के बारे में। यहाँ पे देखना जो साइक्लोहेक्जेन है इसमें देखना, साइक्लोहेक्जेन की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, और यहाँ पे 1-2 डाई सब्सटीट्यूटेड है, तो 1 पे और 2 पे, मतलब 1-2 डाई मेथिल साइक्लोहेक्जेन के स्ट्रक्चर है, 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे यहाँ पे मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे 1-2 डाई मेथिल साइक्लोहेक्जेन में इसका नाम बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब इससे देखना अपने को दो प्रकार के फॉर्म मिल सकते हैं, एक सिस और एक ट्रांस, ठीक है। सिस ट्रांस आपको मैंने बताया था, सिस जो होती है वो सेम पोजीशन होते हैं, सेम जो मतलब दोनों अबोधी प्लेन है तो सेम, या फिर दोनों बिलोधी प्लेन है तो क्या हो गया बस सिस, और जो ट्रांस होती है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक तो जो अबोधी प्लेन है जो आगे की साइड है एक पीछे की साइड है, तो दोनों क्या हो गए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी सिस और ट्रांस, ये दो प्रकार फॉर्म बनते हैं इससे। अब देखते हैं अपन सिस और ट्रांस की जो पोजिशन है, अपन इसको साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर को चेयर फॉर्म में लिख के फिर उसको रिंग फ्लिप करवाते हैं तो हमें क्या कौन सी स्ट्रक्चर मिलती है ये देखेंगे, ठीक है। तो देखना ये जो ये चेयर फॉर्म है जो साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर की, तो ये सिस पढ़ रहे हैं अपन पहले, ठीक है। ये पहला है सिस वाला, तो इसमें देखना एक मेथिल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ जो अप की साइड है एक्सियल पोजीशन में, और एक मेथिल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ जो इक्विटोरियल है, ये भी अप है। मैंने बोला था जो मतलब सिस का मतलब क्या होता है, दोनों या तो अप पोजिशन पे हो या डाउन पोजिशन पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ये अप है, दोनों एक्सियल में भी अप है और इक्विटोरियल में भी अप पोजिशन पे है, चाहे एक्सियल इक्विटोरियल है लेकिन दोनों क्या है एक ही पोजिशन पे है, दोनों अप पे हैं डाउन पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखते हैं जब भी अपन रिंग फ्लिप करते हैं कोई भी स्ट्रक्चर की रिंग फ्लिप, जब चेयर फॉर्म की रिंग फ्लिपिंग की जाती है तो रिंग फ्लिपिंग होने से वो क्या होता है, जो एक्सियल पोजीशन पे होता है वो कहाँ आ जाता है, इक्विटोरियल पोजीशन पे आ जाता है, और जो इक्विटोरियल पोजीशन पे होता है वो कहाँ पे आ जाता है, एक्सियल पोजीशन पे आ जाता है। तो यहाँ पे देखना ये एक्सियल पोजीशन पे ये वाला है, तब मैंने रिंग फ्लिप करवाई, यहाँ पे रिंग फ्लिप करवाई तो देखना यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कार्बन ये, सेकंड वाला ये, थर्ड वाला ये, फोर्थ वाला ये, फिफ्थ वाला ये, सिक्स्थ वाला ये, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला कार्बन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, सेकंड वाला यहाँ पे, थर्ड वाला यहाँ पे, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो जो यहाँ पे फर्स्ट वाला एक्सियल पे था वो यहाँ पे क्या आ गया, इक्विटोरियल पे आ गया, क्योंकि मैंने जो बोला था रिंग फ्लिपिंग होने पे ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो सेकंड वाला कार्बन है, ये सेकंड वाला भी मेथिल ग्रुप अप पे था, इक्विटोरियल था, तो इक्विटोरियल कहाँ आ जाएगा, एक्सियल में आ जाएगा, ठीक है। तो इक्विटोरियल एक्सियल में और एक्सियल इक्विटोरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये बात तो ये अपनी इसकी। अब देखना इसमें बोल रहा है कि नॉन रिजोल्वेबल होते हैं, नॉन सेपरेबल होते हैं एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, इन ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं ड्यू टू रिंग फ्लिपिंग वन एनआइसोमर चेंज टू अदर सब्सटीट्यूएंट। इसमें ये बोल रहा है कि मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एकायरल मॉलिक्यूल है, इसमें सिग्मा प्रेजेंट है, ठीक है। ये एकायरल है, इसमें सिग्मा प्रेजेंट है क्योंकि दोनों सेम है, लेकिन इसमें सिग्मा क्या है, एब्सेंट है। यहाँ पे देखना ये सिग्मा एब्सेंट है क्योंकि एक अबोधी प्लेन और एक बिलोधी प्लेन है, तो इसमें क्या सिग्मा एब्सेंट है, ये ट्रांसपोजिशन अपने एक आगे साइड एक पीछे की साइड, तो इसमें देखना ट्रांसपोजिशन पे है, तो इसमें ये तो कौन से फॉर्म पे है, एक्सियल है, ठीक है, और ये भी क्या है, एक्सियल है, दोनों एक्सियल है, इसमें एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल है, लेकिन इसमें दोनों क्या है, एक्सियल है, तो ये एक्सियल दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटोरियल में, और ये भी क्या हो जाएगा, इक्विटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये एक्सियल पोजीशन, जब ये फर्स्ट वाला कार्बन है, मैंने इसमें फर्स्ट वाले कार्बन को इसमें कन्वर्ट किया तो ये किस में हो गया, देखना ये एक्सियल था, फर्स्ट इधर आ गया, फर्स्ट वाले को रिंग फ्लिपिंग किया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये इक्विटोरियल है, ये भी एक्सियल है, तो ये भी इक्विटोरियल आ गया। ये एक्सियल नहीं है, आप इसको एक्सियल में समझ लेना, ये ऐसे है, ठीक है। ये भी इक्विटोरियल और ये भी इक्विटोरियल, दोनों इक्विटोरियल होंगे। और ये जब मैंने इसका ये मिरर इमेज जब बनाएंगे, इसकी मिरर इमेज बन सकती है, देखना यहाँ पे मेथिल ग्रुप और यहाँ पे मेथिल ग्रुप, जब इसको कन्वर्ट किया मैंने, रोटेट करवाएंगे, तब ये क्या होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं। तो ये जो इक्विटोरियल पोजीशन है, ये इक्विटोरियल है यहाँ पे, ये भी इक्विटोरियल है, तो ये भी इक्विटोरियल है, रोटेट करके देखेंगे तो अपनी ये स्ट्रक्चर आएगी। तो दे आर एनाइसोमर एंड रिजोल्वेबल, ये भी क्या होते हैं, एक दूसरे के एनाइसोमर होते हैं क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं। तो ये तो सिस और ट्रांस, ये 1-2 की, इसी प्रकार अपन 1 और 3 की भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 की पोजीशन पे अपन 3, अपन यहाँ पे मेथिल ग्रुप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेथिल ग्रुप और यहाँ पे मेथिल ग्रुप,
तो यहाँ पे 1,3 डाई मेथिल साइक्लोहेक्जेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेथिल ग्रुप जो सीस वाला है ये कहाँ आ जाएगा, बोधिप्लेन, यहाँ पे आ जाएगा मेथिल ग्रुप, तो 1, 2 और 3, और ये ट्रांस वाला ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो 1 और 3 पे। तो वैसे ही अपन इसकी स्ट्रक्चर यहाँ से रिंग फ्लिप करवाएंगे तो ये 1, 2, 1, 2, 3 वाली पोजिशन पर हो जाएगा, तो 1,3 साइक्लोहेक्जेन भी अपन ऐसे यहाँ पर निकाल सकते हैं इजिली, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपनी बोट कन्फर्मेशन की, ये तो बात हुई अपनी सारी चेयर कन्फर्मेशन के बारे में, चेयर कन्फर्मेशन। अब यहाँ पे देखते हैं अपन बोट कन्फर्मेशन की, बोट कन्फर्मेशन क्या होता है। अब इसमें देखना, बोट कन्फर्मेशन जब होता है, बोट जब अपन चेयर कन्फर्मेशन से अपन बोट कन्फर्मेशन में बोट कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहाँ पे देखना जब बोट को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो देखना ये बोट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, एकदम से बोट के जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो ये देखना ये अपन इसको ऐसे रोटेट करेंगे, यहाँ से ऐसे रोटेट करेंगे तो ये ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें देखना ये हाइड्रोजन बोट, ये क्या है, बोट एक्जियल, बोट इक्विटोरियल, बोट एक्जियल पोजिशन, बोट इक्विटोरियल पोजिशन। फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या है, फर्स्ट वाले कार्बन पे ये क्या है, फ्लैग पोल इंट्रैक्शन। इसमें क्या होता है देखना, बॉन्ड, ये बोट कन्फर्मेशन होती है, इसमें क्या होता है जो 1,4 पोजिशन पे, ये वन पोजिशन और ये 4 पोजिशन, 1 और 4 पोजिशन पे क्या होता है, फ्लैग पोल इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, फ्लैग पोल इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन इंक्रीज होता है इसमें, ठीक है, ये फ्लैग पोल इंट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये देखना इसमें क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 C2 और C3 कार्बन पे और C5 और C6 कार्बन पे क्या होते हैं, एक्लिप्सिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, एक्लिप्सिंग इफेक्ट होता है C2, C3 और C5 और C6 कार्बन पे, एक्जिल और इक्विटोरियल होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है 1 और 4 कार्बन पे क्या होता है, फ्लैग पोल इंट्रैक्शन होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये होता है बोट कन्फर्मेशन, ये होता है बोट कन्फर्मेशन। अब देखते हैं अपन ट्विस्ट कन्फर्मेशन क्या होता है, और इसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट होती है, सिग्मा भी प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव और एकायरल हो गया। अब अपन देखते हैं ट्विस्ट कन्फर्मेशन क्या होता है, ट्विस्ट कन्फर्मेशन होता है वो मोर स्टेबल होता है किसके कंपेयर में, बोट कन्फर्मेशन के, ट्विस्ट कन्फर्मेशन होता है वो मोर स्टेबल होता है बोट कन्फर्मेशन देन बोट कन्फर्मेशन, लेकिन बट ये क्या होता है कि जो ये ट्विस्ट कन्फर्मेशन इसके कंपेयर में मोर स्टेबल होता है, लेकिन चेयर कन्फर्मेशन के में लेस स्टेबल होता है। इन सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल कौन से होते हैं, चेयर कन्फर्मेशन, यहाँ पे देखना चेयर कन्फर्मेशन सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल होती है, ट्विस्ट बाद में, ट्विस्ट फिर ट्विस्ट किससे मोर स्टेबल है, बोट से और हाफ चेयर से, और हाफ चेयर से बोट कन्फर्मेशन है वो मोर स्टेबल होती है। अब देखते हैं अपन ट्विस्ट कन्फर्मेशन के बारे में, ट्विस्ट कन्फर्मेशन में देखना क्या होता है, ये जो ये तो बोट कन्फर्मेशन की स्ट्रक्चर है, इसमें देखना फोल, ये क्या होता है कि फ्लैग पोल जो इंट्रैक्शन है, इसमें फ्लैग पोल इंट्रैक्शन होता है डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पे देखना है जो 1,4 फ्लैग पोल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, एक्लिप्सिंग इफेक्ट बिटवीन C2 से C3, ये C2 से C3 ऐसे हो गया, पहले इसमें कैसा था C2, C3, C5 और C6, ये क्या था, एक्लिप्सिंग इफेक्ट इंक्रीज था इसमें, लेकिन इसमें क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया, और 1,4 डाइपोल, ये भी 1,4 फ्लैग पोल भी इसमें इंट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। अब ये इसके स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं देखना, अब अपन को इसको ऐसे भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ट्विस्ट हो गया, देखना इसमें ट्विस्ट आ रहा है, देखना क्रॉस आ रहा है, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की होगी ये ट्विस्ट कन्फर्मेशन। अब बात करते हैं अपन हाफ चेयर की, हाफ चेयर में भी अपन चेयर फॉर्म से जब हाफ में बनाते हैं तो देखना ये हाफ चेयर ही है, ठीक है, ये तो फुल नहीं है, हाफ भी बनी हुई है ना, हाफ इतनी बनी हुई है, लेकिन कार्बन पूरे 6 हैं इसमें भी, इसमें ये मत सोच लेना कि 3 ही कार्बन है, इसमें भी कार्बन 6 हैं, हाफ का मतलब ये नहीं है, लेकिन ये क्या के एंगुलर स्ट्रेन, इसमें एंगुलर स्ट्रेन और एक्लिप्सिंग इफेक्ट लेस स्टेबल कन्फर्मेशन, ये सबसे कम, ये सबसे लेस स्टेबल कन्फर्मेशन है कौन सी, हाफ चेयर, सबसे कम लेस, सबसे लेस स्टेबल कौन सी है, हाफ चेयर, फिर बोट कन्फर्मेशन, ट्विस्ट, फिर चेयर कन्फर्मेशन। तो अपन ऐसे क्या कर सकते हैं, चेयर कन्फर्मेशन, बोट कन्फर्मेशन, ट्विस्ट कन्फर्मेशन और हाफ चेयर कन्फर्मेशन निकाल सकते हैं। आज अपना ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर आज अपना यहाँ पे कवर कर लिया हम लोगों ने। अब अपन कल वाले नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन बात करेंगे इनके कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है, ओके, थैंक यू।